नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के शुकाबाद में श्याम सखा परिवार समिति द्वारा चतुर्थ फाल्गुन महोत्सव के तहत सोमवार को एटा रोड स्थित चौमकी महादेव मंदिर से बाबा श्री खाटू श्याम जी की भव्य निशान यात्रा निकाली गई। इसमें काफी संख्या में श्याम भक्त बाबा श्री खाटू श्याम के निशान हाथों में लेकर चल रहे थे। श्याम सखा परिवार समिति द्वारा चतुर्थ फाल्गुन महोत्सव पर एक भव्य निशान यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा का शुभारंभ एटा रोड से चौमकी महादेव मंदिर से थाना प्रभारी हरविंद्र मिश्रा ने डोले की आरती एवं नारियल फोड़कर किया, जिसमें श्याम सखा परिवार की कमेटी सदस्यों द्वारा सभी भक्तों का स्वागत एवं सम्मान पगड़ी एवं पीत वस्त्र पहनाकर किया गया, जिसमें 251 श्याम प्रेमियों द्वारा निशान उठाई गई। निशान यात्रा में आरती उतारने के बाद ही श्याम सखा के सदस्य गीतों पर नाचते हुए थकते हुए श्याम भक्त आगे बढ़ रहे थे। निशान यात्रा चौमकी महादेव मंदिर से शुरू होकर एटा तिराहा कटरा बाजार पक्का तालाब तहसील तिराहा नारायण होटल स्टेट बैंक बड़ा बाजार होते हुए फूलापुरिया गली स्थित बाबा खाटू श्याम के मंदिर श्री सर्वेश्वर नाथ पर जाकर विश्राम किया। निशान यात्रा में शामिल भक्त जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। मार्ग में कई स्थानों पर आरती उतार कर एवं पुष्प वर्षा करके जोरदार स्वागत किया गया। पूरा रास्ते सभी भक्त जयकारा लगाते चल रहे थे। नगर में कई तोरण द्वार बनाए गए थे। यात्रा के बाद मंदिर पर प्रसाद का वितरण किया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि श्याम सखा परिवार का मंगलवार को स्टेशन रोड स्थित नेहा अतिथि में फाल्गुन महोत्सव में कलाकारों द्वारा भजन संध्या का भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री श्याम सखा परिवार समिति के असुरी ठाकुर डॉक्टर संजीव माथुर, संजीव लाला, मनीष अग्रवाल, रवि अग्रवाल, संजय कश्यप, पुनीत अग्रवाल, अंकित शेखर अग्रवाल, सुवित अग्रवाल के अलावा भारी संख्या में पदाधिकारी एवं नगर के गणमान्य नागरिक, महिलाएं, पुरुष साथ चल रहे थे। श्याम सखा परिवार आज अपना चतुर्थ फाल्गुन उत्सव मना रहा है, जिसके अंतर्गत आज दिनांक 27 फरवरी को एक भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 निशान बाबा के चरणों में अर्पित किए गए एवं जगह जगह बहुत से श्याम प्रेमियों ने निशान यात्रा का भव्य स्वागत किया एवं बहुत हर्षोल्लास के साथ शहर में बाबा का फाल्गुन उत्सव मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत 28 फरवरी दिन मंगलवार को नया आदित्य गृह में बाबा के भजनों से भक्तों को रिहाया जाएगा एवं बहुत दूर दूर से भक्त बाबा के भजनों में शामिल होंगे। आसपास मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद सभी जगह से श्याम भक्त कार्यक्रम में आ रहे हैं एवं कलकत्ता से संजू शर्मा जी, उड़ीसा से शुभांगी सोनी जी एवं समस्तीपुर से देशवी शर्मा जी बाबा के भजनों का गुणगान करेंगे। आज श्याम सखा परिवार द्वारा अपना चतुर्थ फाल्गुन महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज दिनांक 27 फरवरी को एक भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 निशान आवंटित किए गए थे। संख्या बहुत थी लेकिन संस्था को भीड़ को देखते हुए 251 निशान आवंटित किए हैं। लगभग 2000 भगवान के सेवक, बाबा श्याम के सेवक इस निशान यात्रा में हमारे साथ रहे। बाबा का भव्य दरबार दोनों बाजारों में होता हुआ बैंड बाजाओं और झांकियों के साथ बड़े धूमधाम से सर्वेश्वरनाथ मंदिर पर इसकी समाप्ति हुई है। और कल दिनांक 28 फरवरी दिन मंगलवार को साय 6 बजे से बाबा का एक भव्य संकीर्तन श्री नेह अतिथि गृह में आयोजित हो रहा है। सभी श्याम प्रेमी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं, वो आए और बाबा की भजनों की भेंटें सुनकर, बाबा के गुणगान को सुनकर धर्म लाभ उठाएं। जय श्री श्याम।